नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग्स के नए वीडियो के साथ, जिसमें सेगमेंट्स में हम लोग को वीडियोस मिलेंगे महिला महाविद्यालय BHU का। महिला महाविद्यालय BHU सिंह द्वार से एकदम एंटर करते जो पहला तिराहा है उसी के सामने महिला महाविद्यालय है, और अपोजिट में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। महिला महाविद्यालय के अंदर 5 हॉस्टल्स हैं और डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं जो हम लोग अपने वीडियोस में दिखाएंगे। चलो और यहीं से पॉज करो। ये महिला महाविद्यालय का एंट्रेंस है, और जिसके लेफ्ट साइड में हम लोग फैकल्टी की तरफ जाते हैं और फ्रंट साइड में हॉस्टल्स की तरफ। फ्रंट साइड में एक हॉस्टल है और पीछे और 4 हॉस्टल्स हैं, जो कि हम लोग सेगमेंट वाइज दिखाएंगे। तो अभी हम लोग फैकल्टी की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फैकल्टी है, प्रिंसिपल ऑफिस है, और एग्ज़ाम्स भी यहीं होते हैं। जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसके एग्ज़ाम्स के सेंटर, जो महिला कॉलेजेस हैं उसके एग्ज़ाम के सेंटर यहीं MMV में ही पढ़ते हैं। ये एक वेटिंग एरिया टाइप का है जहाँ कॉमन लोग बैठ सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। ये एक राइट हैंड साइड में एक म्यूज़िक रूम टाइप का कुछ है, जिसमें बच्चे शायद म्यूज़िक सीखते हैं। चाचा ये क्या है, कुछ पता है? हाँ, नृत्य कला है। अभी चल रहा है कि नहीं? बच्चे तो है ना, टीचर आते हैं अपना नृत्य कला, मतलब वही नाच गाना ना। अच्छा, चलिए बेटा, आप यहीं पे स्टाफ है ना? अच्छा, तो ये नृत्य कला विभाग है। हम लोग MMD के गेट से एंटर करते ही लेफ्ट साइड में जिधर फैकल्टी है उधर आए हैं, और ये राइट हैंड साइड में ये कुंदन देवी करके एक हॉस्टल है, और फ्रंट साइड में आपका प्रिंसिपल ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस और तमाम ऑफिस और फैकल्टीज़ हैं। तो हम लोग फैकल्टीज़ के तरफ पहले जा रहे हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लैब असिस्टेंट। ये गार्डन है छोटा सा फैकल्टी के सामने, यहाँ जो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे और भी बाहर से आते हैं एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम टाइम में बैठते हैं लोग। तो गार्डन है जो कि कुंदन देवी के भी सामने है और फैकल्टी के भी सामने है। कुंदन देवी और फैकल्टी के बीच में एक छोटा सा कैंटीन है जिसको हम लोग कवर करेंगे आगे, और ये शायद इकलौता कैंटीन है पूरे MMB का। फ्रंट साइड में हमें सारे ऑफिशियल्स के ऑफिस मिल जाएंगे, जिसमें प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, स्टूडेंट एडवाइज़र सबका ऑफिस इसी में है, इस ब्लॉक में, फ्रंट ब्लॉक। ग्राउंड है, मतलब छोटा सा गार्डन टाइप का है, और इसके बगल में वो नृत्य कला संकाय था वो भी एक गार्डन के तरह ही है, जो कि और 2 हॉस्टल्स को कवर करता है। हम लोग आगे लेंगे उसको। ये फैकल्टी का छोटा सा एंट्रेंस जो कि एकदम प्रिंसिपल ऑफिस के बगल से है, और हम लोग देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने मीटर्स, सब कुछ। ठंडी का मौसम है तो खुदाई चल रही है ना आंटी, इसमें पौधा लगाने के लिए खुदाई उदाई हुआ है क्या? ये फैकल्टी ऑफिस है।
आओ अंदर, अंदर भी एक राउंड लगा लेते नोटिस बोर्ड और हॉस्टल इवेंट्स के एनुअल डे एमएमबी के एनुअल डे का डिफरेंट फोटोग्राफ की फीस वगैरह का डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है ये क्या है आंटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी अच्छा लेकिन यहाँ पर लिखा है छात्र सलाहकार कक्ष हाँ स्टूडेंट एडवाइजर का ये ऑफिस है ये प्रोफेसर रीता सिंह का ऑफिस है जो कि यहाँ की स्टूडेंट एडवाइजर है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ये पहला डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का और ये सारे फैकल्टी मेंबर्स के नाम है लैब स्टाफ के नाम है शाइन करो ये सब साइकोलॉजी की क्लासेस चलते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का क्लासरूम है महिला महाविद्यालय ओह हाय बच्चे मैं आपको फोन यशस्वी अच्छा यशस्विनी हाँ आई रिमेम्बर क्या हाल है भाई क्या क्लासेस शुरू हो गई तुम लोग की अच्छा अच्छा ओके अनिक हाँ हाँ अनिक को जानते हैं ठीक है फिलॉसफी के प्रोफेसर के नाम लग रहा है बट फिलॉसफी का स्टाफ रूम है यहाँ से एक सीढ़ी जाती है जो ऊपर की तरफ ये हम लोग बाद में जाएंगे ऊपर की तरफ पहले नीचे की तरफ हम लोग कवर कर लेते हैं और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद वो कौन सा डिपार्टमेंट फिलॉसफी उसके बाद ये होम साइंस का डिपार्टमेंट है और ये कल्पना गुप्ता एक्चुअली यहाँ की एच ओ डी है ये होम साइंस का लैब है क्योंकि अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है बाकी आप देख सकते हैं लैब कितना बड़ा है होम साइंस के लिए सारे यूटेंसिल्स भी हैं यहाँ पे चलो अच्छा दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन लैब Part of home science only. Yes, home science has got five branches. So one lab is nutrition, another lab is woven textiles lab, then two, three other labs we have the other building. Okay. But the main building is there. Okay. We will cover it. Okay. Thank you, ma'am. But don't cover. They're not permitted actually. They're officially Yes, ma'am. But we are thankful to you. ये साइंस ब्लॉक और इधर से फिर लाइब्रेरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट सोशल का ही है हाँ तो पहले इसको कवर करते हाँ ओके ओके अच्छा ये लाइब्रेरी एमएमबी का ये एक ही लाइब्रेरी है ओके सो वी नीड टू कवर दिस ये एमएमबी का लाइब्रेरी
चलो अंदर चलो। रीडिंग हॉल टेक्स्ट बुक सेक्शन तो बंद है। उधर से भी गेट होगा आई थिंक, लेकिन अभी ये स्टैक हॉल ये है। यहाँ तो एंट्री प्रोहिबिटेड है ना। हाँ, इसको फ्रंट फ्रंट से हम लोग कवर कर सकते हैं। हाँ ओके चलो भाई। न्यू ब्लॉक है, एनएलटी है और साइंस ब्लॉक का भी है। ये ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग का ये गार्डन था। बच्चे नहीं आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अव्यवस्थित है सब कुछ। ये संगीत कक्ष है आई थिंक। हाँ, म्यूजिक रूम, म्यूजिक सेक्शन है जिसमें अलग अलग संगीत गायन कक्ष, संगीत सितार कक्ष और डिफरेंट फैकल्टीज मिल जाएंगे इसमें भी। ये एजुकेशन, ये ज्योग्राफी का सर्वे लैब है। ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट शुरू हो गया क्या? ज्योग्राफी लैब है ये। बंद है। हाँ, ये भूगोल विभाग है, वो उसका लैब था पीछे वाला, और ये भूगोल विभाग है जो कि ताला लगा हुआ है। यहाँ से भी एक सीढ़ी है ऊपर जाने का। यहाँ से इंग्लिश डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है। ये इकोनॉमिक सेक्शन है, ये बनारस यूनिवर्सिटी महिला महाविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। फिर से डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी, संस्कृत, बंगाली, इंग्लिश, ये सब अगल बगल ही है। बंगाली रूम नंबर 9 एंड देन रूम नंबर 80 है। हिंदी विभाग शुरू हो गया। अभी आगे इधर से डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग है। यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे फिर एयर सीढ़ी वीडियो वो कवर कर लेते हैं। ओके ये ठीक है, पेंटिंग ही है। इतना छुपा के रखा हुआ है इसको, सामने से ही करूँगा ऐसे।
पेंटिंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर। स्टाफ रूम, यहाँ से ऊपर। हाँ स्टैट्स, फिर ऊपर साइंस की लैब्स वगैरह है सारी। इतना छुपा करके इधर बनी है, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं। कोई पेंटिंग वालों को इन्फॉर्मेशन होगी सर, सीधे तो हमारे साथ तुम हो। यहाँ से स्टैट्स लैब और यहाँ से फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब बहुत सुंदर है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। ये फिजिक्स रिसर्च फील आता होगा, ये फिजिक्स का रिसर्च। अब यहाँ से साइंस फैकल्टी शुरू हो गई क्या? हाँ, ये पूरा साइंस की लैब्स और क्लासेस चलते हैं यहाँ पे। नीचे हम लोग को सोशल और आर्ट्स का मिला सब कुछ, यहाँ ऊपर वाले ब्लॉक में साइंस का। यहाँ से चलते हैं फिर उधर से, ये भी शॉर्ट कर लेंगे। रिसर्च ला चलता है मेरा, मतलब बाकी सारी चीज़ों का। विराट कोहली, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है। हाँ फिजिक्स लैब है ये, जो कि बंद है इस समय। ओके, ये फिजिक्स लैब है। हाँ, बच्चों के ना आने के कारण ये सब कुछ अभी बंद है। ये भी फिजिक्स का ही लैब है, सॉलिड स्टेट आयोनिक्स रिसर्च लैब। इधर चलना है, सीधे चलें। कुछ है नहीं, बस वही बालकनी वालकनी है उधर। ये क्या है? कुछ नहीं, केमिस्ट्री लैब कनेक्टेड है ये। अच्छा, ये केमिस्ट्री लैब का एक दूसरा डोर है। हाँ, और यहाँ से एक व्यू। हाँ, व्यू गेट एकदम फैकल्टी के फ्रंट गेट के सामने वाला गार्डन, यहाँ पर मैंने बताया था खुदाई चल रही है पौधे लगाने के लिए, इसका व्यू हमें मिल सकता है यहाँ से। ये सॉलिड स्टेट आयनिक्स कवर कर लिया था ना अभी, कवर करके ही तो अंदर लिया था। ये केमिस्ट्री लैब। अच्छा, यहाँ से केमिस्ट्री लैब शुरू होता है, जिसका एक और गेट हमने दिखाया पहले। ये भी केमिस्ट्री लैब ही है ना, इंस्ट्रूमेंटल लैब। चलो बंद ही है सब। ये भी केमिस्ट्री है। हाँ, रासायनिक रासायनिक प्रयोगशाला, मतलब केमिस्ट्री रिसर्च क्लास। अच्छा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कितना सारा लैब्स होगा यहाँ पे? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का फर्स्ट सेकंड ईयर की तो दो लैब हैं, तो फर्स्ट ईयर वाले अलग जगह प्रैक्टिकल करते हैं, सेकंड थर्ड ईयर वाले अलग। और फिर इसके बाद रिसर्च लैब्स हैं, तो वो टॉपिक के अकॉर्डिंग। रसायन भंडार कक्ष, मतलब ये यहाँ केमिकल का वो स्टॉक रूम कह सकते हैं ये है। ये सब केमिस्ट्री है अभी। ये केमिस्ट्री ऑफिस एंड प्रिपरेशन रूम। ये फर्स्ट ईयर वालों का लैब। टोटल आई थिंक आठ लैब है क्या केमिस्ट्री के? अभी न्यू बिल्डिंग में भी लैब्स हैं ना केमिस्ट्री के, दो तीन लैब उधर भी हैं, फिर रिसर्च वालों के भी हैं, तो काफ़ी हैं एक तरीके से। यहाँ से न्यू बिल्डिंग कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से साइंस ब्लॉक। अच्छा, यहाँ साइंस ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक हमने कवर किया नहीं, ये कवर करते हैं। यहाँ पे थ्योरी क्लासेस वगैरह चलती हैं।
ये फर्स्ट फ्लोर पे ये सब कुछ है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। हमें दो लैब्स दिखे, केमिस्ट्री के क्लासरूम्स दिखे, और ये एक ओपन स्पेस टाइप का है। यहाँ पे आई थिंक मेरा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था इस रूम में, उस समय कुछ और ही सीन था यहाँ पे। अभी बच्चों के ना आने के कारण ऐसा 25 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, कह नहीं 25 से तो ज़्यादा ही हो चुका है। इधर रूम का एक शॉट लूँ क्या? ये क्या है? ये भी क्लासरूम। ये जाता है रिसर्च बिल्डिंग में, न्यू ब्लॉक उसको कहते हैं। ये रिसर्च बिल्डिंग यहाँ से कनेक्टेड है, तो पहले इधर ही चले। अरे बहुत फ्लोर्स हैं यार। हाँ तो चलते हैं। ठीक है आंटी, चलिएगा। नहीं अभी तो बहुत चलना मतलब अगर थक गई तो बैठ सकती हैं, ज़्यादा कुछ आपत्तिजनक तो है नहीं हमारे में। ये क्या कनेक्टेड है? एक नई बिल्डिंग है, इसमें क्या रिसर्च होता है बस। हाँ स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च। ये सबसे पहले बोटैनी प्लांट्स एंड टिश्यू कल्चर यहाँ का। हाँ ये नहीं होगा, सारे रूम सभी बंद है, बच्चे ही नहीं है। फिर ये फिजिक्स का पीजी लैब मतलब ये पीजी के स्टूडेंट्स के लिए है। पीजी कोर्सेज तो होते नहीं यहाँ पे। ओके ये मतलब पीजी कोर्सेज के लिए ये फिजिक्स का लैब है। गेट बंद होने के कारण हम लोग दिखा नहीं पा रहे। यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये है कि यहाँ पे लिफ्ट लगी है। ओके क्या बॉटनी पीजी लैब, और किसी से पूछ लेते ना पीजी लैब का क्या मतलब है। बाकी लैब्स खुली है, आज तो सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन ये है कि कुछ लोगों का जैसे आज नहीं है, एक ही सेमेस्टर चल रहा है ना थर्ड ईयर। अच्छा अच्छा। तो अगर क्लासेस नहीं होंगी तो वो लोग बंद है। ये रिसर्च लैब भी है तो काम कर रहा है। तो सर एमएमबी में पीजी कोर्सेज तो होते नहीं है? हाँ पीजी कोर्सेज है ना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं है, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एमएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो है, केवल वही एक पीजी है साइंस में जो चलता है। उधर हम लोगों ने फिजिक्स पीजी लैब भी देखी, उधर फिजिक्स पीजी लैब भी थी। तो ये बनाया गया है कि जब आप आधारभूत ढंग संरचना बना लेते हैं तब आप जाके गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमारे अच्छा, पास सारी सुविधा है, अब हमें 20-25 स्टूडेंट दे दीजिए। अच्छा। अब वो देख के आपको अलॉट करें, इसीलिए वो सब बंद है। हवा में तो नहीं कहेंगे कि आप हमें दे दीजिए, हम भविष्य में रखेंगे। थैंक यू। चलिए रिसर्च लैब है, तो ये सारा रिसर्च लैब यूजी स्टूडेंट्स के लिए ही होगा ना, लेकिन ये रिसर्च लैब रिसर्च स्टूडेंट के लिए। साइकोलॉजी का नाम पीजी लैब भी लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज। तो पीजी के लिए ये लोग सब आवेदन करने वाले हैं, इसलिए लोग बना करके रखे हुए हैं। सारे लैब्स की सुविधाएँ हैं इस बिल्डिंग में, चूँकि पीजी के कोर्सेज एमएमबी में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक कोर्स में है, लेकिन फॉर फ्यूचर बन करके रखा हुआ है। तो ये है इसका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट ये सेकेंड फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर है। अच्छा उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर है। हाँ ये सेकेंड फ्लोर है, इधर प्रोफेसर फैकल्टी रूम। एक तरीके से स्टाफ रूम। हाँ ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए है, सेकेंडरी रूम स्टाफ रूम। बॉटनी का रिसर्च लैबोरेटरी है यहाँ भी, ये
बॉडी है, कोई है के अंदर? साइकोलॉजी का रिसर्च लैबोरेटरी है यहाँ से, वहाँ बॉडी खत्म हो गया है, यहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट है। ये भी साइकोलॉजी का लैबोरेटरी नहीं, ये क्लासरूम है एक्चुअली, क्योंकि बंद है ये सब, वॉशरूम है ये, जेंट्स वॉशरूम है ये सेकेंड फ्लोर पे, न्यू बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे ये जेंट्स वॉशरूम है, और ये उसके जस्ट बगल में अंदर चले। चलो को कॉम्प्रोमाइज करता है, और इसमें ये एक वॉशरूम है जो कि बगल में टेंट है, जेंट्स और लेडीज अलग अलग है। छोड़ दे छोड़ दे। ये यहाँ पर लिफ्ट है जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम लोग घूम लिए ना। हाँ ऊपर भी चल रहे हैं। हाँ सीढ़ी से चल रहे हैं। हाँ ये टॉप फ्लोर है, मतलब दिस बिल्डिंग कंप्राइज ऑफ फोर फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये एरिया में छोटी पार्टी बन जाए, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये बायोइनफॉर्मेटिक्स रिसर्च लैब, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, जो कि नीचे ओल्ड बिल्डिंग में डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग को छुपा के रखा गया है। तो ये ज्योग्राफी रिसर्च लैबोरेट्री, भूगोल विभाग, महिला महाविद्यालय। अगली फिजिक्स रिसर्च लैब, दिस लैब इज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस लैब को कूलर दिया गया है। और आगे क्या है? आगे सीढ़ी है, यहीं से चलते हैं फिर नीचे। यहाँ से खत्म, व्यू छत से व्यू लेना है तो दूसरी तरफ से चलेंगे ना, उधर ही छत पे चलते हैं ना, अगर डोर खुला होगा तो। ऊपर यहाँ से तो मोस्ट प्रोबेबली बंद रहेगा, एक जूलॉजी के बगल में सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से नहीं खुला रहता है, खुले खुले। चलो भाई आपको भी थोड़ा आ रहा है। हम चाह रहे थे कि जो उस दिन थी वो रहे, वो चल रही हमारे साथ, हम अच्छा लगता। आप चल रही हैं तो अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट फ्लोर।
है, हमको भरोसा है नहीं आगे लिफ्ट में। पर आंटी आप हैं तो ठीक है, हंसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको भरोसा है यहाँ की लिफ्ट पे? भरोसा क्यों नहीं है? सिर्फ कैमरे के लिए बोल रही है, दिल से बोल रही है? दिल से बोल रहे हैं तो नहीं, तो आंटी है भाई सर, तो बीच हॉस्पिटल के लिफ्ट में नहीं गए आंटी आप। ये यही बचा था पूरा जूलॉजी का। चलो डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ओके, ये भी लैबोरेटरी है, इसको ऐसे शीशे में से दिखा सकते हो या फिर बैक डोर खुला होगा शायद। खुला है ना? ये बायोलॉजी लैब है? नहीं, जूलॉजी है। जूलॉजी लैब। चलो। थैंक यू सर। ये ऑफिस का स्टोर है, स्टोर रूम। स्टाफ रूम। स्टाफ रूम ऑफ। अच्छा, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो दिस वाज द दैट वाज द स्टाफ रूम एंड यहाँ से फिर से बॉटनी का लैब है। ओह डियर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये भी बॉटनी का लैबोरेटरी है, दिस इज फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। यहाँ से व्यू ले लो, थक गई क्या आंटी? और आगे चलते हैं ना, आगे से ठीक है। यहाँ से ठीक है। I think this is the center of attraction of MMB. और वो क्या कहते हैं, फोटो स्टैंड, वो ये है कैप्चर स्टैंड। तुम्हारी कैप्चर कर दूँ क्या? यस यू कैन विथ माई फोन। तो इससे बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में पहले राइट हैंड साइड में मैं बता दूँ कि रोड की तरफ है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं उसके जस्ट बगल में रोड है और उसके जस्ट राइट हैंड साइड में सिंह द्वार है। तो हम लोग आप समझ सकते हैं रोड के जस्ट अपोजिट साइड में है। और ये एक और नई बिल्डिंग है जिसके अंदर फैकल्टीज भी हैं, क्लासरूम भी है। तो यही ग्राउंड फ्लोर है उधर रिसर्च ब्लॉक का। अच्छा, ये रिसर्च ब्लॉक ही है क्या? हाँ, उसी का ग्राउंड फ्लोर है। ये वही रिसर्च ब्लॉक है जिसका हम लोग तीन फ्लोर पहले दिखा चुके हैं। चूंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे इंटर ही किए थे इसलिए ग्राउंड फ्लोर छूट गया था। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, स्टार्ट ही होता है जॉलॉजी सेक्शन के साथ, महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं।
ये क्लासरूम है इसके, लेकिन कवर इट, डोर खुला है ना, स्टूडेंट्स नहीं आए हैं सब कुछ, और नहीं तो ये इंग्लिश ऑनर्स का क्लासरूम है। एक शॉट और ले लेती हूँ, चलो अभी साइंस ब्लॉक और होम साइंस बचा है, इधर चलना है अभी, ठीक है। साइंस ब्लॉक और होम साइंस ये दूसरे बिल्डिंग में ना? हाँ, जो नया साइंस ब्लॉक है वो अभी इधर साइड है राइट में, और होम साइंस डिपार्टमेंट लेफ्ट में है। ये हिंदी कक्ष है, ताला लगा हुआ है, ये हिंदी का क्लासरूम और टॉयलेट है। जितने भी नए बिल्डिंग्स बने हैं और उसमें टॉयलेट्स बहुत मेंटेन है, ये मैं कह सकती हूँ, और जेंट्स और लेडीज दोनों के टॉयलेट्स बहुत मेंटेन है, प्लस लिफ्ट मेंटेन है, तो वी कैन गिव 5/5। लेफ्ट हैंड साइड में और इसके सामने एक और बिल्डिंग है, हम लोग एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। पहले ये वाली बिल्डिंग है, इसमें हिंदी डिपार्टमेंट है और मेनली एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स इसमें होते हैं, इसमें अधिकतर क्लासरूम्स हैं और कार्यक्रम इसमें होते हैं, जो भी फेस्ट वगैरह शो बंद है। ये स्टूडेंट्स ना आने की वजह से बहुत अव्यवस्थित है, फिर भी इसमें बस क्लासरूम्स है और कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा, इसमें भी लिफ्ट लगा हुआ है, तो मतलब ये इसमें जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही है सब में लिफ्ट लगा हुआ है, चाहे वो एकेडमिक्स के लिए हो चाहे ऑफिशियल यूज के लिए हो, सब में लगा हुआ है। इसमें मेनली क्लासरूम है, एक क्लास कवर कर लेती हूँ ना इधर, रिसर्च का जो डिपार्टमेंट है इससे निकलते ही राइट हैंड साइड में अपना होम साइंस डिपार्टमेंट है, और ये भी ओल्ड बिल्डिंग ही है, न्यू बिल्डिंग बस यही एक थी, और ये ओल्ड बिल्डिंग है, चलते हैं देखते हैं। इसमें बहुत हम फैकल्टी हैं उनकी, होम साइंस का कोर्स केवल MMV में ही है ना? हाँ, गृह विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस महिला महाविद्यालय काशी विश्वविद्यालय। देखो कोई लैब हो तो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, होम साइंस वालों के लिए अलग से लाइब्रेरी है, ये किताबें हैं, बेसिकली ये डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है होम साइंस की, ये डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है, और मेन लाइब्रेरी हमने दिखा दिया है MMB का, ये डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है। एक ही फ्लोर है होम साइंस डिपार्टमेंट में, एक ही फ्लोर है, ये लैब है, एक्सटेंशन लैब, जो कि बंद है तो सकते। एक और होम साइंस का हमने लैब दिखाया था ओल्ड बिल्डिंग में, टेक्सटाइल और न्यूट्रिशन लैब उधर था और एक्सटेंशन लैब इधर है। हाँ। नहीं, यहाँ से फिर अब अंदर नया साइंस ब्लॉक आएगा, ऊपर कुछ नहीं है ना? नहीं।
आगे, तो इससे आइए आंटी जी, पानी टंकी है, ये पानी टंकी विश्वविद्यालय के अंदर है, तो ये विश्वविद्यालय के ही अंतर्गत आता है। और ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी दिख रहा है, कुछ चेंबर टाइप का। और बाकी एकदम इसके अंदर एक न्यू, क्या कह सकते हैं इसको, न्यू बिल्डिंग बनी है। और इसमें कौन कौन सा फैकल्टी है? न्यू बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर न्यू साइंस ब्लॉक है जो कि पुरानी बिल्डिंग से ही कनेक्टेड है। ओके, तो इसमें सिर्फ साइंस का ही डिपार्टमेंट है ना? हाँ, और बाकी क्लासेस चलती हैं फिलोसफी सोशियोलॉजी की, बट मेन वाली बिल्डिंग है। जो वाइट वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो दूसरी है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक विभाग है, ये फिजिकल जी एम एन, ये फिजिकल एडुकेशन का फैकल्टी है, ठीक है, डिपार्टमेंट है। ना ना ना, नई बिल्डिंग है जो कि पुरानी बिल्डिंग से कनेक्टेड भी है। और इसमें डिफरेंट क्लासेस होते हैं, सोशल के भी क्लासेस होते हैं, साइंस के भी होते हैं, और स्पेशली इसमें साइंस के लैबोरेटरी वगैरह भी हैं शायद। तो आइए अंदर चल के देखते हैं क्या है। और इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू मी वो ये है कि फ्रंट से ही घुसते हमें महामना जी की प्रतिमा दिखती है, और दोनों साइड से बहुत सिस्टमेटिक वे में सीढ़ी है। तो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, हाँ। सेमिनार और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और इसका नाम है सावित्री देवी डालमिया विज्ञान भवन, विज्ञान भवन महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो इधर कॉन्फ्रेंस हॉल है, ओके, बंद है इस समय। इसके साइड में हम लोग बढ़े हैं, तो पहला ये विज्ञान भवन है महिला महाविद्यालय का, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और ये भी सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है, बंद नहीं है, हम लोग कुछ है नहीं है, फिर भी हम लोग इस लैब को देख सकते हैं। अभी हॉस्टल के लिए यहाँ से भी एक सीढ़ी है, लेकिन पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, तब हम लोग ऊपर चले गए, यहाँ को कवर कर लेते हैं। मंदिर है क्या? ये मंदिर केमिस्ट्री सेक्शन की लैब्स, ये ऑर्गेनिक लैब है, ये केमिस्ट्री लैब, ऑर्गेनिक लैब है। कितनी तेज स्मेल है केमिकल्स की यार। और चलो बैक डोर है उसी लैब का, इधर भी है। तो ये भी लैब है, और वी कैन सी इट थ्रू द ग्लास, और इधर बाकी रूम, जड़ सूखा अरे नहीं नहीं अब नहीं लगेगा, अरे इसमें ड्रॉ नहीं लगाते हैं ना, तो मंदिर चल वो मंदिर यहीं सुना भूतिया मंदिर में ये
डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के सारे टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, लेबोरेटरी स्टाफ, इस बिल्डिंग के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के ये फिजिकल लैब है केमिस्ट्री की। ये प्रोफेसर का केबिन। फिजिकल लैब बंद है। बहुत है यार अभी। फिजिकल लैब बाहर से शुरू। बंद होगा अंदर से। फिजिकल लैब है, इसके बगल में एक और बॉटनी का लैब है शायद। चलो ये एक और वॉट निकला। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब। वी वांट टू कवर दिस। प्रोफेसर्स के रूम है, प्रोफेसर्स के कैबिन है। ये शायद नीचे का जो ग्राउंड है, मतलब फर्स्ट फ्लोर इज ओनली फॉर साइंस डिपार्टमेंट है, क्योंकि सारे लैब साइंस के हैं। और इधर इधर जूलॉजी। अच्छा, यहाँ से जूलॉजी लैब लैब नहीं है यहाँ पे कोई, सिर्फ रूम्स है प्रोफेसर के। क्या ये बॉटनी लैब एक और। जूलॉजी लैब बंद है। ठीक है, बाहर से शॉट ले लेते हैं। अभी तो इसकी सेकंड फ्लोर है। लेडीज टॉयलेट ऑफ दिस न्यू बिल्डिंग। और आई थिंक दिस इज द कनेक्टिंग पार्ट ऑफ इट। ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग का ये कनेक्टिंग पार्ट है। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, ये ओल्ड बिल्डिंग है। न्यू बिल्डिंग उधर ही था, उस ब्लॉक तक ही न्यू बिल्डिंग था। ये सारी दीवारें ओल्ड बिल्डिंग की। ये भी अब अंदर की तरफ है।
क्लासरूम्स है, लैब भी वो नीचे थे, लैब भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये सब लैब अभी उधर है। हाँ कितने एग्जाम दियो यार तुम आओ अच्छा उधर चलिए। चलो ये वही एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग एंटर किए थे, हम लोग यहीं आ गए हैं। कहाँ मैन मैथमेटिक्स का क्लास है और लैब है उधर, और ये क्लासरूम है और इधर टॉयलेट है, इस साइड भी टॉयलेट है, इस साइड भी टॉयलेट है, तो स्टूडेंट्स नहाने के कारण थोड़ा सा अनटाइडी है। लेजर लैब है, इसके बाद अपना हिस्ट्री सेक्शन शुरू होता है। ये क्लासरूम्स है हिस्ट्री सेक्शंस के, और ये सब क्लासरूम्स ही है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स ओल्ड बिल्डिंग, जहाँ पर ओल्ड बिल्डिंग से स्टार्टिंग होता है, न्यू बिल्डिंग खत्म होती है, तो हम लोग बस न्यू बिल्डिंग का कवर करेंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग हम लोग कवर कर चुके हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्लासरूम है शायद या लैब है। डिपार्टमेंट के अंतर्गत कंप्यूटर लैब है इसको, और हम लोग गेट के इधर से ही कवर करेंगे। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है इधर? हाँ वो आप लोग हैं। लैब कंप्यूटर साइंस सेक्शन है ये पूरा, और इस साइड उसके रिगार्डिंग सारे प्रोफेसर्स का रूम है। ये
brain section, political brain section. ओल्ड बिल्डिंग हमने कवर कर चुका है लगभग, तो अब चलते हैं न्यू बिल्डिंग की तरफ और जो चीज़ें छूटी हुई हैं उधर. दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, और ये सारे रूम्स हैं रिगार्डिंग प्रोफेसर के. और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर लैब है ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का, जो कि अभी क्लोज है. है तो सर रिटर्न परमिशन. हॉल है जिसमें कार्यक्रम होता है, मीटिंग्स होते हैं. ओह अच्छा, सॉरी ध्यान नहीं दिया. इधर से जिसमें कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के और कार्यालय के जस्ट सामने है ये मेन बिल्डिंग में. फैकल्टीज हम लोग निकल चुके हैं अब, लगभग पूरी फैकल्टी, सारे ओल्ड बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, सब कुछ कवर हो चुका है. हर कार्यालय, प्रिंसिपल ऑफिस, लैब, सब कुछ हो चुका है और हम लोग बाहर निकल चुके हैं. और ये जिम हॉल है जो कि अभी बंद है. ये महिला महाविद्यालय इकाई नगर छात्र निकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो शॉर्ट में ये जिम हॉल है बच्चों के लिए. ये जिम हॉल का ये बैक साइड है एक्चुअली, और मेन डोर इसका इधर सामने है. हम लोग इधर से निकले थे बैक लेन को, इसीलिए पहले बैक डोर दिखा दिया. ये मेन बिल्डिंग है, इसमें सब पार्टीज वगैरह भी इसी में होती है ना. ये एक बिल्डिंग है जो कि हॉस्टल के बगल में कैंटीन है, कैंटीन के जस्ट बगल और फैकल्टी के जस्ट दूसरे साइड में ये बिल्डिंग है. कैंटीन और फैकल्टी के बीच में ये बिल्डिंग है, बंद होगा जो कि
ये जिम हॉल है, इसी के अंदर जिम है, इसी के अंदर फेस्ट वगैरह होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है। जिम हॉल, जिम हॉल के बाद कैंटीन, कैंटीन जिम हॉल और हॉस्टल के बगल में, कुंदन देवी हॉस्टल के शायद बगल में है ये। और ये MMB है, इकलौता ये कैंटीन है। कैंटीन अंदर से वैसा ही कैंटीन होगा जैसा कॉलेज कैंटीन होता है नॉर्मली। अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारे आइटम्स और मिलेंगे भी नहीं। कैंटीन का हम लोग कवर कर सकते हैं। MMB में जितने 5 हॉस्टल्स हैं उनको हम जा रहे हैं कवर करने। मैं अभी ठीक MMB के कैंटीन के सामने खड़ी हूँ और इससे पहले पूरे MMB का प्लस पूरे फैकल्टी का, फैकल्टी वाइज सारा वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप जा करके वहाँ देख सकते हैं।